हाँ जी, अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डी रिकग्निशन के अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस जो है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी को डी रिकग्नाइज किया जाएगा। ये एक कॉशियस ट्रीटमेंट होती है क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि लाइबिलिटी शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। तो डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है उसको प्रॉपरली स्टैंडर्ड्स में डिफाइन किया गया है। एन एंटिटी शुड डी रिकग्नाइज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी वेन इट इज एक्सटिंग्विश्ड, दैट इज वेन द ऑब्लिगेशन स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड, यानी कि हमने अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी है या वो कैंसल हो गई है या एक्सपायर हो गई है। इट इज पॉसिबल फॉर ओनली पार्ट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू बी डी रिकग्नाइज। समटाइम ऐसा भी हो सकता है के फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है वो फुली डी रिकग्नाइज नहीं की जाए, पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है वो डी रिकग्नाइज किया जाए। दिस इज अलाउड इफ द पार्ट कंप्राइजेज ओनली स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड कैश फ्लोज, के वो पर्टिकुलर कितना पार्ट जो है जो हमने रीपे किया है। अगर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, पोर्टफोलियो अगर हमने इशू किया है, तो उस पोर्टफोलियो में से अगर कोई एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमने रीपरचेज कर लिया है, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी, सॉरी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो है वो डी रिकग्नाइज करेंगे। आर ओनली फुली प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ टोटल कैश फ्लोज। अब अगर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल है तब भी हम डी रिकग्नाइज कर सकते हैं, या फिर हम प्रोरेटा बेसिस पे एक प्रोपोर्शनेट शेयर जो है वो रीजनेबली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो तब भी हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी को डी रिकग्नाइज करेंगे। अब होगा क्या, जब हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी डी रिकग्नाइज करेंगे तो उसकी जो कैरिंग वैल्यू है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल लाइबिलिटी थी 1000 की और मैंने जो प्रोसीड्स पे की हैं, यानी कि कैश पे की है, वो है 800। तो 800 अगर मैं माइनस करूंगा तो 200 जो है वो मेरा प्रॉफिट है। और अगर मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो है वो ज्यादा हो गई है, मैंने फाइनेंशियल लाइबिलिटी को रिकग्नाइज किया हुआ है 1000 पे, लेकिन मुझे एक्चुअली पे करना पड़ा है 1200, तो फिर जो 200 का है वो लॉस है, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकग्नाइज करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। हाँ जी, अब हमने ये देखा था कि अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करती है एंटिटी, तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो डेट है और कुछ जो है वो इक्विटी है, तो इसको हम अपोर्शन कैसे करेंगे। अ कंपनी इशू आर 10 मिलियन ऑफ 6% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एट पार। अब हमने ये भी देखा कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी को हमने इनिशियली किस वैल्यू पर रिकग्नाइज करना होता है, जितनी कॉन्सिडरेशन रिसीव हुई है। अब 10 मिलियन के बॉन्ड्स हैं और उनको इशू किया उसने पार पे, तो इसका मतलब है जो कंसीडरेशन रिसीव हुई है वो हमें 10 मिलियन ही हुई है। द बॉन्ड्स आर रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 ईयर्स और कैन बी कन्वर्टेड एट एनी टाइम अप टू दैट डेट इनटू 20 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 100 बॉन्ड। अब 10 मिलियन अगर आपने बॉन्ड इशू किए हैं, तो एक बॉन्ड अगर 100 का है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए, आपके 2 जीरो कट जाएंगे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके कितने हो गए, 1 लाख। और हर एक बॉन्ड के बदले में कितने शेयर्स आपने इशू करने हैं, अगर वो कन्वर्ट करवाना चाहता है 20, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने इशू करने हैं वो 20 लाख हैं। शो हाउ द बॉन्ड शुड बी रिकॉर्डेड ऑन इशू इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। अब जो बॉन्ड थे वो 6% थे। अब ये जो 6% है ये नॉमिनल रेट है, और जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिमिलर डेट विद नो कन्वर्टेबल वो है 8%। अब ये इंटरेस्ट हम कम क्यों दे रहे हैं, इसलिए कि हमने बॉन्ड होल्डर को एक ऑप्शन दे दी है कि वो इनको कन्वर्ट कर सकता है इक्विटी शेयर्स में। अगर ये ऑप्शन ना होती तो हमें 8% इंटरेस्ट देना पड़ता। अब हमने क्या करना है जी, के दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है कि हमारी जो फेस वैल्यू है, जो कि हमें
रिसीव हुई है वो कितनी थी, 10 मिलियन, और जो नॉमिनल रेट है वो कितना है, 6%, और इफेक्टिव रेट कितना है, 8%। लेकिन जब हम डिस्काउंटिंग करेंगे तो डिस्काउंटिंग हमने करनी है 8% पे। हम इस 10 मिलियन की क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, मतलब एक है हमारी फेस वैल्यू जो कि हमने 20 इयर्स के बाद पे करना है। तो 20 इयर्स के बाद फेस वैल्यू की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है हमने, सॉरी वो 20 इयर्स नहीं थे, आई थिंक वो 4 इयर्स थे, लेट मी चेक अगेन। एट पार आफ्टर 4 ईयर, ये बॉन्ड्स जो हैं वो रिडीमेबल हैं आफ्टर 4 ईयर। तो हमने दो काम करने हैं, एक तो जो फेस वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और एक जो हमारा इंटरेस्ट है उसकी हमने फेस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं, जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो 10 लाख पे 6% जो नॉमिनल रेट है। तो 10 मिलियन पे जो 6% आएगा वो 6,000 आएगा। अब ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर, डिस्काउंट फैक्टर ईयर वन में भी हमने 6 लाख देना है, ईयर टू में भी 6 लाख देना है, ईयर थ्री में भी 6 लाख देना है, ईयर फोर में भी हमने 6 लाख देना है। अब डिस्काउंट फैक्टर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कैलकुलेट करेंगे आप किस बेस पे, इफेक्टिव रेट की बेस पे, वो आता है 1/1.08, फिर 1/1.08^2, 1/1.08^3, 1/1.08^4। अब ये आप इंडिविजुअली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन उसने जो यहाँ पे बात की है 3.312, ये बेसिकली क्या है, एनुइटी फैक्टर है, क्योंकि कैश फ्लोज जो हैं वो कांस्टेंट हैं। एफ टू में भी आपने पढ़ा है, फाइव में भी आपने पढ़ा, और अगर किसी ने एफ नाइन पढ़ा है तो वहां पे भी आपने ये देखा, एनुइटी फैक्टर जो है कांस्टेंट फ्लोज के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1+(I)^-(N)^i। तो इससे आपके पास ये एनुइटी फैक्टर आ जाएगा, वो जो बेसिकली होता है वो सारे डिस्काउंट फैक्टर्स का समेशन होता है, उसको हम एनुइटी फैक्टर कहते हैं। तो ये हमने 600,000 का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि कितनी आई, 19,87,200। फिर उसके बाद ये जो 10 लाख रुपया है ये हमने रीपे करना है कितने अरसे बाद, 4 सालों बाद। तो ये 0.735 कैसे आया है, 1/1.08^4, क्योंकि चौथे साल के एंड पे पे करना है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो आ गई वो 73,50,000। तो टोटल जो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 93,37,200। और जो आपको अमाउंट मिली है वो कितनी मिली है, 10 मिलियन। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है, इक्विटी एलिमेंट है। तो ये जो था ये लाइबिलिटी है, डेट है, और ये पार्ट जो है वो आपकी इक्विटी का पोर्शन बनाएगा।